वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मेरठ में रहने वाले कपल के लिए, ऐसे कपल जो मैरिड हैं या ऐसे कपल जो मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए लीगल प्रोसीजर क्या है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड तक देखिएगा, और वीडियोज देखना हो तो चैनल पर चले जाइए, बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरठ के रहने वाले हैं और आप कोर्ट मैरिज करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो केवल दो प्रोसीजर होता है कोर्ट मैरिज के लिए। या तो आप रिचुअल के साथ कोर्ट मैरिज करें या रिचुअल के बिना कोर्ट मैरिज करें। अगर आप रिचुअल के साथ करना चाहते हैं तो ये सबसे ईजी रहता है, सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि रिचुअल के साथ परफॉर्म करने के लिए 99% लोग रिचुअल के साथ परफॉर्म करते हैं। बस एक कंडीशन है, रिचुअल के साथ परफॉर्म करने के लिए सेम रिलीजन में होना जरूरी है, सेम कास्ट मैटर नहीं करता, सेम रिलीजन में होना जरूरी है। तो यदि आप रिचुअल के साथ परफॉर्म करेंगे तो कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन या हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन के तहत आपकी मैरिज हो जाएगी पहले, यानी आप अपने रिचुअल के हिसाब से आर्य समाज में या फिर निकाह करा लीजिए या आप चर्च में जाकर शादी कर लीजिए। एक बार जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद से आप अपने तहसील में जहाँ रहते हैं वहाँ के तहसील में जाएंगे और वहाँ पे अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। प्रोसीजर के हिसाब से सेम डे में आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और आपका कोर्ट मैरिज का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये प्रोसेस जब आप करने जाते हैं और खुद से करते हैं तो चूंकि आपको पूरी जानकारी नहीं होती, इस वजह से कई खामियां गलतियां हो जाती हैं, फ्रॉड भी हो जाता है और आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो लव मैरिज या कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। अगर आप इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करें। स्पेशल मैरिज एक्ट में अलग अलग धर्मों के लोग शादी कर सकते हैं। 30 से 60 दिन का समय लगता है, इस पे घर पे नोटिस जाने के चांसेस होते हैं, रिचुअल परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इंटर रिलीजन के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट ही सही है, अदरवाइज आप कन्वर्ट होना चाहते हैं ये पूरी तरह से आपकी इच्छा है, करना है या नहीं करना है। लेकिन आगे ये भी जानना जरूरी है कि मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट क्या होगा, प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, ये भी आपको आगे वीडियो में चलिए बताता हूं। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते। तो एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहाँ पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए ज़रूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए। अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका आईडी प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर आईडी हो। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर आई कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे। और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे।
तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम तीन स्टेप्स में आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं, जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है, और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।